व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो? दिस इज सन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में समझेंगे कि अगर मान लो आप एस लेवल पे वर्क कर रहे हो एंड आपको सुपरवाइजर बनना हो या फिर एम बनना हो या फिर मैनेजर बनना हो या जिस भी लेवल को आपको अचीव करना हो, ठीक है, और आप सोच रहे होंगे कि मैं कितनी मेहनत करूँ, कैसे मेहनत करूँ ताकि मैं 25 CC कंप्लीट कर लूँ एंड सुपरवाइजर लेवल डन कर लूँ, ठीक है, और या इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या इसमें एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता, ठीक है, या आप अभी से सोच रहे हो, मान के चलो अभी आप नर्वस कस्टमर हो, अभी तक आप एएस भी नहीं बने, फिर भी आप सोच रहे हो कि इसमें सुपरवाइजर लेवल कैसे डन होता है, मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा, समझते हुए चलना, ठीक है। सबसे पहले दिमाग में ये चीज़ डालो कि कोई भी लेवल आपको डन करना है तो आपको कंटिन्यू 2 मंथ के अंदर करना है। दिमाग में ये बात पता होना चाहिए ना आपको, नहीं पता दोबारा बोल रहा हूँ। आपको जो भी लेवल डन करना है, आपको भले मैनेजर लेवल डन करना होगा, असिस्टेंट मैनेजर लेवल डन करना होगा, या फिर सुपरवाइजर लेवल डन करना होगा, या फिर आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन करना होगा, एस लेवल भी आपको डन करना है, तो आपको कंटिन्यू 2 मंथ के अंदर ही करना होगा जो भी आपको करना है, ठीक है। जैसे आपको एस लेवल डन करना है तो आपको कंटिन्यू 2 मंथ के अंदर 2 CC कंप्लीट करनी है, कंप्लीट 2000 पॉइंट कंप्लीट करना है, तब जाके आप एस लेवल डन कर पाओगे। अगर तुमको सुपरवाइजर लेवल डन करना है तो आपको कंटिन्यू 2 मंथ के अंदर 25 CC कंप्लीट करना है। अगर कंटिन्यू 2 मंथ के अंदर नहीं होता है तो आप सुपरवाइजर नहीं बन पाओगे। अगर आपको असिस्टेंट मैनेजर बनना है तो 75 CC आपको कंटिन्यू 2 मंथ के अंदर करना है। अगर कंटिन्यू 2 मंथ में नहीं होता तो आप AM नहीं बन पाओगे। अगर आपको मैनेजर बनना है तो 120 CC आपको कंटिन्यू 2 मंथ के अंदर करना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप मैनेजर नहीं बन पाओगे। तो अब आप सोच रहे होंगे, देखो बताओ मिस्टेक कहाँ पर आती है, प्रॉब्लम्स कहाँ पर आती है, इसमें मैं आपको बताता हूँ। वैसे एस के लिए तो मैंने वीडियो बना रखी है, जाके देख लेना, एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि क्या गलती नहीं करना और कैसे करना है अपना एस लेवल डन। क्योंकि एस का मतलब हुआ 2 CC, 2 CC का मतलब हुआ 2000 पॉइंट, 2000 पॉइंट का मतलब हुआ कि आपको कंटिन्यू 2 मंथ के अंदर 2000 पॉइंट की बिलिंग्स डालनी है, ठीक है। अब 500 करके डालो, 1000 करके डालो, कैसे भी करके आपको 2000 पॉइंट की बिलिंग्स डालनी है, तब जाके आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन पाओगे, तब जाके आपकी 2 CC कंप्लीट हो पाएगी। तो इसकी वीडियो तो मैंने बना रखी है, जाके देख लेना, आपको एंड स्क्रीन मिल जाएगी, ठीक है, कि अपना एस लेवल कैसे डन करें, 2000 पॉइंट कैसे कंप्लीट करें। अगर 2000 पॉइंट 2 महीने में कंप्लीट नहीं होते हैं तो उन पॉइंट का क्या होगा, क्या वो पॉइंट कट जाते हैं या फिर नेक्स्ट मंथ में इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। सारी चीज़ मैंने उसमें बता रखी है, अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है। आज बात करते हैं कि अगर मान के चलो आप एस बन गए, ठीक है, उस वीडियो को जरूर देख लेना अगर आप नर्वस कस्टमर हो, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, वरना आपके पैसे डूब जाएंगे, पैसे कटते रहेंगे, कोई मतलब नहीं, बर्बाद हो जाओगे, टाइम भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा, ठीक है। अगर आप नर्वस कस्टमर हो तो उस वाली वीडियो को जरूर से जरूर देखना, इस वाली वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। अब बात करते हैं कि मान के चलो आप एस लेवल पे वर्क कर रहे हो और अब आपको बनना है सुपरवाइजर, एस से आपको क्या बनना है, सुपरवाइजर। तो समझो, सबसे पहले आपको पता है कि कंटिन्यू 2 मंथ में करना है। अब मान के चलो कि इस महीने में अभी चल रहा है, जो भी महीना आपका चल रहा होगा, इस महीने में आपने 10 CC का काम किया, टीम के साथ कितनी CC का काम किया आपने, 10 CC का काम किया इस महीने में। आप नेक्स्ट मंथ आ गया, नेक्स्ट मंथ में फिर से आप जोर लगाओगे, मेहनत करोगे, मान के चलो आपने फिर से 10 CC का काम किया, टोटल कितनी हुई, 20 CC हो गए ना। सुपरवाइजर के लिए कितना चाहिए होता है, 25 CC चाहिए होती है, 5 CC कम पड़ी ना। अगर 5 CC कम पड़ गई, आपकी 2 महीने के अंदर 20 CC कंप्लीट हुई है ना, तो आपका सुपरवाइजर लेवल डन नहीं होगा पहली बात। तो फिर जैसे मान के चलो अभी जो भी महीना चल रहा है, आप देख लो अभी आप किस महीने में ये वीडियो देख रहे हो, समझ लो, जैसे भी मान के चलो अभी जनवरी चल रहा है, अब मानो मैंने जनवरी के अंदर 10 CC कंप्लीट करी टीम के साथ, अब नेक्स्ट मंथ कौन सा आ गया, फरवरी, फरवरी में मैंने कितनी CC कंप्लीट करी, 10 CC, टोटल 20 हुई, मेरे को 25 चाहिए होता, मेरा सुपरवाइजर लेवल डन नहीं होगा, ठीक है। अब फरवरी खत्म हो गया, अब फरवरी के बाद क्या चलेगा, मार्च, तो जो जनवरी की 10 CC थी ना, ये कट जाएगी मेरी, समझ आई ना, ये कट जाएगी। अगर तुम चाहते हो, चलो पहले एक एक बात समझाता हूँ, जनवरी में 10 CC हुई, फरवरी में 10 CC हुई, टोटल मिला के 20 CC हुई, आपका फरवरी महीना भी निकल गया मान के चलो, आपसे टोटल मिला के 10 CC हुई फरवरी में भी, तो सुपरवाइजर लेवल डन नहीं होगा। अब आपको कौन सा महीना मिलेगा, मार्च मिलेगा, ठीक है। अब मार्च मिलेगा तो जो जनवरी के पॉइंट थे ना वो कट जाएंगे, CC थी ना वो कट जाएगी, जनवरी की जो 10 CC थी वो वेस्ट चली जाएगी, कोई मतलब नहीं, पैसा तो मिल जाएगा तुमको, ठीक है, बट आप सुपरवाइजर लेवल डन नहीं कर पाओगे, क्योंकि कंटिन्यू 2 मंथ चाहिए होता है किसी भी लेवल को डन करने के लिए। अब आपको फरवरी और मार्च मिलेगा, ठीक है, फरवरी में आपकी कितनी थी, 10 CC थी, मार्च में आपने फिर से कोशिश की, मान के चलो कि आपने 12 CC कर ली, बहुत मेहनत करी आपने, तो 12 और 10 कितने होते हैं, 22 CC, फिर भी 3 CC कम पड़ रही है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना होता है, लोग बाग क्या करते हैं, सभी लोग यही करते हैं, आप भी यही करोगे अगर आप फरवरी कर रहे होंगे तो, जितनी सीसा कम पड़ती है ना लास्ट में,
उसका प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं, मतलब पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, तब जाके लेवल अप डन होता है। देखो किसी का नहीं होता कि इजीली अपने टीम के अंदर 20 CC कंप्लीट हो रही है, नहीं हो रही, कमी होती है, ठीक है। तो ये इनको अगर लेवल डन करना होता है तो क्या करते हैं ये लोग, सीसा मतलब प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, वहाँ से परचेज कर लेते हैं। तो सीसा तो इंक्लूड होगी ना, जैसे मान के चलो इस महीने आपने कितना किया, 10 CC किया, नेक्स्ट मंथ में आपसे कितनी हुई, मान के चलो 10 CC हुई, टोटल 20 CC हो गए ना। अब 5 CC तो बची है ना, तो क्या करते हैं लोग 5 CC का प्रोडक्ट परचेज कर लेंगे वहाँ से, बस पैसा इन्वेस्ट कर देंगे 1-2 लाख रुपए। हर एक इंसान यही करता है, ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपकी 25 CC ईजिली हो रही है, कभी कभी हो जाता है, किसी के साथ हो जाता है, बट ऑलमोस्ट लोगों का नहीं होता, इस बात को दिमाग में डाल लो। क्योंकि जरूरी नहीं कि 25 CC आपके कंप्लीट हो 2 महीने के अंदर, ठीक है। मानके चलो कि तुमको ऐसे क्या बनना है, सुपरवाइजर बनना है, सबसे पहले सबसे छोटा वाला गोल लेके चलते हैं, सुपरवाइजर तुमको बनना है, ऐसे तुमको बनना है सुपरवाइजर, एस का मतलब हुआ 2 CC, ठीक है, इसका मतलब हुआ 25 CC, ऐसे तुमको बनना है सुपरवाइजर। सुपरवाइजर के लिए कितना चाहिए अपन को, 25 CC चाहिए होती है, ओके। तो अब देखो किस तरीके से, जैसे फर्स्ट मंथ है ये, ठीक है, फर्स्ट मंथ है ये, सेकेंड मंथ है, एक एक बात को समझना, गलती बिल्कुल मत करना ना, इतना आसान भी नहीं कि तुम यूं ही बन जाओगे ना, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, क्या पैसा लगाना पड़ता है इसमें, हर एक चीज़ बताऊंगा अभी, ओके। ये थर्ड मंथ है मान के चलो, ये थर्ड मंथ है, 3 महीने हो गए मान के चलते हैं ना, 3 महीने काफ़ी होते हैं, यहाँ से तुमने काम स्टार्ट किया, ये एस बनने के बाद है, जब तुम एस बन जाओगे ना उसके बाद ये प्रोसेस, ओके। अगर तुमने अभी तक एस ही कंप्लीट नहीं किया तो पहले एस कंप्लीट करो, या फिर तुम समझना चाहते हो तो भी इस वीडियो को देख सकते हो कि किस तरीके से सुपरवाइजर बनते हैं, क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्या इसमें पैसा लगाना पड़ता है क्या फिर से, है ना, ये चीज़ तुम देख सकते हो यहाँ पे, ओके। तो देखो आओ यहाँ पे, ये फर्स्ट मंथ चल रहा है, फर्स्ट मंथ में मान के चलो तुमने टीम के साथ वर्क किया, और वर्क करने के बाद तुम्हारी यहाँ पे 10 CC कंप्लीट होती है, ठीक है, जितने भी हो, 11 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, 13 भी हो सकती है, कितना भी हो सकता है, 10, 11, 12, 13 कितनी भी सीसी तुम्हारी कंप्लीट हुई फर्स्ट मंथ में मान के चलो। अब सेकंड मंथ तुमने फिर से मेहनत करी, और मान के चलो फिर से सेकंड मंथ में कितना हुआ, 10 CC फिर से कंप्लीट हुई, सेकंड मंथ की बात बोल रहा हूँ मैं, ओके। अब देखो दोनों महीनों को मिला के कितना होता है, टोटल 20 CC होती है, ठीक है। और इसमें एक और रूल होता है कि आपको 1+3 करनी पड़ेगी अगर तुमको टीम का बोनस चाहिए तो, है ना। तो मान के चलते हो आप क्या करते हो यहाँ पे, 1 CC अपनी ID से करते हो, ठीक है, 1 CC अपनी ID से करते हो, तो टोटल कितनी हो जाएगी, +1, 21 CC कंप्लीट हो गई तुम्हारी इन दोनों महीनों को मिला के, फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ को मिला के, क्योंकि 1+3 तुम भी करोगे ना, तो 1 CC अपनी ID से करोगे, ठीक है, और 3 CC इसमें इंक्लूड हो जाएगी, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो कितना हुआ टोटल, 21 CC कंप्लीट हो गए दोनों महीनों को मिला के, ओके। 25 तो फिर भी नहीं हुई, तो अगर 25 CC तुम्हारी कंप्लीट नहीं हुई ना दोनों महीनों को मिला के, तो तुम सुपरवाइजर नहीं बन सकते, समझ में आई, सुपरवाइजर तुम नहीं बन सकते। तो फिर तुमको क्या करना पड़ेगा, पहला तरीका बता रहा हूँ मैं, दूसरा तरीका अगेन बताऊंगा, ओके। पहला तरीका तो ये है कि अगर तुम 2 महीने में 25 CC कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो सुपरवाइजर नहीं बनोगे, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, फिर से नेक्स्ट मंथ मिल जाएगा, इस महीने की जो सीसी थी ना वो कट हो जाएगी और आपको नेक्स्ट मंथ मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट मंथ मिलने के बाद आपको क्या होगा, फिर से 10 CC यहाँ पर होती है, इसमें आपको कितना करना पड़ेगा, 15 CC कंप्लीट करनी पड़ेगी। मतलब हुआ कि कंटिन्यू 2 मंथ को मिला के, देखो कोई भी लेवल होता है ना वो कंटिन्यू 2 मंथ के अंदर ही होता है, किसी भी लेवल को तुमको अचीव करना है तो कंटिन्यू 2 मंथ के अंदर ही करना होता है, ओके। चाहे वो मैनेजर लेवल हो, असिस्टेंट मैनेजर लेवल हो, सुपरवाइजर लेवल हो, कोई भी लेवल हो, कंटिन्यू 2 मंथ के अंदर तुमको कंप्लीट करना होता है। हाँ मैनेजर आप 4 महीने में भी कर सकते हो, 120 CC 4 महीने में भी कर सकते हो, उसका तरीका अलग होता है, ठीक है। लेकिन अपन अपनी नॉर्मली मान के चलते हैं कि कोई भी लेवल होता है तो उसका क्या कर सकते हो, तुम 2 महीने में कंप्लीट कर सकते हो। अब जैसे भी सुपरवाइजर की अपन बात कर रहे हैं, तो ऐसे तुमको सुपरवाइजर बनना है तो 25 CC चाहिए होती है। फर्स्ट मंथ में तुमने काम किया, 10 CC हुई, सेकंड मंथ में तुमने काम किया, 10 CC हुई, 1 CC तुमने खुद से करी थी 1+3 के लिए, ठीक है, टोटल मिला के 21 CC कंप्लीट हुई, 25 तो नहीं हुई ना, 25 नहीं हुई, तो इस महीने में तुम क्या नहीं बन पाओगे, सुपरवाइजर नहीं बन पाओगे, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा तुमको, ये फर्स्ट मेथड है ना, फर्स्ट मेथड क्या, अभी सेकंड मेथड बताऊंगा तुमको, सेकंड मेथड, ठीक है। फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग तुमको क्या करना पड़ेगा, इस महीने को भूलना पड़ेगा, नेक्स्ट मंथ में तुमको फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट मंथ में मेहनत करोगे तो कितनी सीसी चाहिए तुमको, कम से कम 15 CC चाहिए, ओके। इस महीने की सीसी तो कट जाएगी, तो अब दोनों सीसी को मिलाकर कितना होगा बताओ भाई, अब तो 25 हो गया ना, 10
25 ही हो गए, 25 सीसी, 1 सीसी कुछ से भी तो करोगे ना, तो 26 सीसी हो गई। खैर तुमको दोनों के मिला के कितनी हो गई, 25 हो गई। मतलब हुआ कि कंटिन्यू 2 मंथ के अंदर मिला के तुमको 25 करनी होती है। ये समझ में आया, तब जाके तुम क्या बन पाओगे, सुपरवाइजर बन पाओगे। सेकंड तरीका देखते हैं। मान के चलो तुमने इस महीने में मेहनत करी और कितनी सीसी हुई थी, 10 सीसी फर्स्ट मंथ में। सेकंड मंथ में तुमने मेहनत करी कितनी हुई थी, 10 सीसी। ओके, जो लोग सभी करते हैं ये तरीका, सभी अप्लाई करते हैं, कोई भी लेवल पे काम कर रहा होगा, किसी भी लेवल को अचीव करना होगा, हर एक इंसान ये काम करता है। क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है ना कि यार तुम यहाँ पे किसी से 2 सीसी करवा के देखो कितना टाइम लगता है यार। अभी बताऊंगा, चलो ये भी चीज़ तुमको बताऊंगा। ओके, किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना, पहले ये समझते हैं। सेकंड मेथड में ये हुआ, 10 सीसी तुम्हारी कंप्लीट हुई इस महीने में, सेकंड महीने तुम्हारी 10 सीसी कंप्लीट हो गई। ओके, तो टोटल मिला के कितनी हुई, 20 सीसी हुई ना। अब लोग क्या करते हैं कि कितनी सीसी कम पड़ रही है, 5 सीसी कम पड़ रही है। ओके, तो 1 सीसी तो खुद से करेगा 1+3 के लिए, ये कितनी हुई, 21 सीसी। अब कितनी सीसी कम पड़ रही है, 4 सीसी कम पड़ रही है, तो 4 सीसी के क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट बाई कर लेंगे, क्या कर लेंगे, प्रोडक्ट बाई कर लेंगे। तो कितनी होगी टोटल, 25 सीसी कंप्लीट हो गई। अब 4 सीसी की प्रोडक्ट बाई करेंगे तो अब देखो 1 सीसी का मतलब कितना होता है, 16K, ठीक है। अगर 4 सीसी उन्होंने बाई करी, पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर सोच के देखो ना यार, उसने इतनी मेहनत करी, इस महीने में 10 सीसी उसने कंप्लीट करी फर्स्ट मंथ में, सेकंड मंथ में उसने 10 सीसी कंप्लीट करी, तो क्या वो इस लेवल को थोड़ी ना जाने देगा। बहुत मुश्किल से होता है ये, बहुत मुश्किल से, टीम करती नहीं है, कभी कौन कर रहा है, कभी कौन नहीं कर रहा, कभी कौन एक्टिव है, कभी कौन एक्टिव नहीं है, ये सारी प्रॉब्लम को सामना करना पड़ता है उनको, ठीक है। तो बड़ी मेहनत के साथ उन्होंने ये चीज़ें करी, तो वो जाने थोड़ी देगा लेवल को, वो 4 सीसी के प्रोडक्ट खरीद लेगा, ठीक है। तो देखो 16,000 × 4 इतना पैसा, 64,000 उनको लगाना पड़ेगा। मतलब ऐसे सुपरवाइजर बनने के लिए 64,000 पैसे लगाना पड़ेगा। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे 4 सीसी कम पड़ रही हो, किसी के 5 पड़ रही हो, किसी के 6 पड़ रही हो, किसी को 7 सीसी कम पड़ रही होती है, तो वो उतना पैसा लगा देता है, ठीक है। तब जाके क्या बन पाता है, वो सुपरवाइजर बन पाता है। ये सेम प्रोसेस मैनेजर में होता है। मैनेजर को कितनी चाहिए होती है, 120 सीसी चाहिए होती है मान के चलो, ठीक है। तो फर्स्ट मंथ में मान के चलो उनके पास कितनी हुई, 70 सीसी कंप्लीट हुई, और सेकंड मंथ में मान के चलो 60 सीसी कंप्लीट हुई। ओके, 50 मान के चलो, 50 में भी ज़्यादा ही हो जाएगा। सेकंड मंथ में मान के चलो कि उससे हुई 20 सीसी कंप्लीट हुई सेकंड मंथ में, तो टोटल कितना हो गया, 90 सीसी कंप्लीट हो गए ना, टोटल 90 सीसी हो गई। अब मान के चलो 90 सीसी है, तो कितनी सीसी कम पड़ रही है, ओनली 30 सीसी कम पड़ रही है, ठीक है। 120 करने के लिए कितनी सीसी कम पड़ रही है, 30 सीसी कम पड़ रही है, तो 30 सीसी का प्रोडक्ट परचेज कर लेगा भाई, ये सीन होता है, समझ में आया ना। 30 सीसी का क्या कर लेगा, प्रोडक्ट परचेज कर लेगा, बाय कर लेगा प्रोडक्ट को, तभी जाकर मैनेजमेंट पाएगा। अब वो मैनेजर लेवल को थोड़ा ना छोड़ सकता है ना, वो क्या करते हैं, पैसा अरेंज करते हैं। अब देखो 1 सीसी कितने की होती है, 60K की होती है, तो 30 से मल्टीप्लाई करके देख लो कितना पैसा उसको लगाना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, समझ में। क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि टीम काम कर रही है नहीं कर रही है। मान के चलो इस महीने उन्होंने 70 सीसी कर ली, सेकंड मंथ में 20 सीसी हुई मान के चलो, या सेकंड मंथ में मान लो कितनी भी सीसी कर ली होगी, या फर्स्ट मंथ में मान के चलो उन्होंने 20 सीसी करी फर्स्ट मंथ में, और सेकंड मंथ में 70 सीसी करी, कुछ भी हो सकता है ना यार। तो जितनी सीसा कम पड़ता ना, उसका प्रोडक्ट परचेज कर लेते, बाई कर लेते हैं। ओके, इतना पैसा उनको फिर से लगाना पड़ता है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, ये तो तुमको समझ में आ गया, एक ही चीज़ समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से लेवल अप होता है, किस तरीके से पैसा इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, हर एक इंसान को करना पड़ता है। क्योंकि क्यों करना पड़ता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बट इस तरीके से आप कंटिन्यू 2 मंथ में अपना लेवल अचीव कर सकते हो, ठीक है। अब देखो किस तरीके से इसमें करना पड़ता है। मान के चलो आप एस हो, ठीक है, ये आपकी टीम है, समझने की बात को, आपकी टीम में मान के चलो कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने भी लोग काम कर रहे होंगे, 10-15 जो भी है। मैंने कितना बनाया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लोग काम कर रहे हैं, 10 लोग काम कर रहे हैं ना, ठीक है। अब मान के चलो कि आपको कितना चाहिए था, 25 करने हैं आपको कैसे भी करके, है ना। सबके सब नवाज कस्टमर हैं मान के चलो, तुमने सबको प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाई, इन्विटेशन दिया, क्या है, नवाज कस्टमर ही है। ओके, अब देखो आओ इधर, इसने 2 सीसी कर ली मान के चलो, आपने चीज़ समझाया, गाइड किया, 2 सीसी कर ली, फर्स्ट मंथ की बात बोल रहा हूँ मैं, दिमाग में डालू इस बात को, फर्स्ट मंथ, इधर आएगा सेकंड मंथ,
कैसे प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो सामना देखने की कोशिश करना। इसने 266 कर ली फर्स्ट मंथ में ही, आपके मोटिवेशन में आके आपने अच्छे से क्लियर किया होगा, ठीक है। इसने कुछ भी नहीं किया भाई, इसने 1cc कंप्लीट कर ली और इसने 2cc कंप्लीट कर ली, इसने 1cc कंप्लीट कर ली, इसने 500 पॉइंट कंप्लीट किए, इसने भी 500 पॉइंट कंप्लीट किए, ठीक है। इसने 1000 पॉइंट कंप्लीट किए, इसने मान के चलो 2cc कंप्लीट कर ली, इसने कुछ नहीं किया मान के चलो। ये फर्स्ट मंथ का रिजल्ट है आपका, ओके। तो फर्स्ट मंथ में सीसे कितनी काउंटी पूरी टोटल करके देखते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया ना, 10। क्या बात है, क्या बात है, 10 cc आपके फर्स्ट मंथ के अंदर, ठीक है। इस अब सेकंड मंथ आएगा ना, सेकंड मंथ में तुम क्या करोगे, इसको भी बोलोगे कि थोड़ा मेहनत कर, काम स्टार्ट कर, बट इन स्टार्टिंग में बिगनर होगा, ये क्या करेगा, ठीक है। आप खुद को तो करना ही है ना, तुमने फिर से इनको बोला कि और भी प्लान दिया होगा, ठीक है, प्लान भी देते रहोगे ना, इनसे भी बात करते रहोगे, तो इनको बोलोगे कि भाई कुछ तो कर तू, तो मान के चलो 500 पॉइंट करता है, काफ़ी फोर्स किया तुमने तब जाके 500 पॉइंट करता है ये वाला लड़का, और मान के चलो इसने 1cc कर ली अपनी, ओके। इसको भी तुमने काम करने को बोला कि कुछ काम कर, बट बिगनर होगा, क्या करेगा स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है, ये सीख ही रहा होगा अभी। इसके बाद इसको भी तुमने अच्छे से मोटिवेट किया कि तुम्हारे पॉइंट कट जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे, थोड़ा मेहनत कर, 1cc कंप्लीट कर, तो इसने भी मान लो 1cc कंप्लीट कर ली, ठीक है। अब इसको बोला कि तुम 500 पॉइंट तुम क्या कर रहे हो, फटाफट अपने जो 1500 पॉइंट बचे उसको कंप्लीट करो यार, तो इसने फिर से मेहनत करी और 1000 पॉइंट कंप्लीट हुए, 1000 पॉइंट कंप्लीट हुए मान के चलो। इसने फिर से मेहनत करी, 500 पॉइंट कंप्लीट कर लिए, इससे मेहनत करी अपनी 1cc कंप्लीट कर ली, ओके, इसकी हो ही गई थी, इसने भी 1cc कंप्लीट कर ली मान के चलो। अब टोटल करते हैं सेकंड मंथ का भी, 500, 500, 1cc, 2, 3, 4, 5, 6 कितनी सीसी हुई टोटल, 6cc। अब फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ दोनों को मिला के कितनी सीसी हुई थी, 10 + 6 कितनी हुई, 16cc। आपको कितनी चाहिए भाई साहब, 25cc चाहिए थी आपको। इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारे बंदे काम कर रहे होंगे, कभी कौन कर रहा है, कभी कौन नहीं कर रहा, ठीक है, कभी कोई बात सुन रहा है, कोई बात नहीं सुन रहा है, कोई ब्लॉक करके जा रहा है, तो इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मान के चलो किसी ने, इसने भी नहीं किया, तुम क्या कर लोगे, इसने भी कुछ नहीं किया, मान के चलो इसने भी 1cc नहीं करी, मान लो बिजनेस छोड़ दिया, तुम क्या कर लोगे, मान लो इसने भी नहीं किया, इसने भी नहीं किया, फिर क्या कर लोगे, मान लो सेकंड मंथ में तुमने, तुम्हारे से ओनली 2 ही लोगों ने 1cc करी, तुम क्या कर लोगे, नहीं करने वाले नहीं करेंगे, तुम्हारा लेवल तो रुक जाएगा ना। तो मान के चलो तुमने 2 महीने वर्क किया अच्छे से, सेकंड मंथ में 6cc हुई टोटल मिला के, कितनी हुई, 25cc कंप्लीट हुई। अब कितना चाहिए तुमको, 9cc चाहिए, 9cc होगी तभी जाके कितना होगा तुम्हारा, 25 होगा, है ना। तो 9cc की क्या करोगे तुम, प्रोडक्ट बाय कर लोगे। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम लेवल अचीव नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है, अगर तुम बाय नहीं कर पाओगे तो तुम लेवल अचीव कर ही नहीं सकते। इस तरीके से होता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कोई ज़रूरी नहीं कि सभी आपका बात मानेंगे, सभी काम करेंगे, समझ आ गया ना ये चीज़। तो इस तरीके से ऐसा इतना आसान नहीं सुपरवाइजर बनना कि तुम 25 ही तो है, अरे यार 10 लोगों को बोलूँगा, 10 लोगों की 2cc करवाऊँगा, 10 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20cc कंप्लीट हो जाएगी, हटा, इतना आसान नहीं है भाई साहब। कौन आपकी बात मान रहा है, कौन आपकी बात नहीं मान रहा है, यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। और मैनेजर बनने के लिए तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हर एक इंसान यहाँ पे पैसा लगाता ही है, क्योंकि इतनी मेहनत उसने करी, इतनी, अब मान के चलो, देखो एक चीज़ तुमको हमको समझाता हूँ, मेहनत पैसा क्यों लगाते हैं। सेकंड मंथ में कितनी आई थी, 6cc, सेकंड मंथ में कितना आया था, फर्स्ट मंथ में आया था, देखो समझो इस बात को, 10cc, सेकंड मंथ में कितना आया था, 6cc, ठीक है। अगर मान के चलो पैसा नहीं लगाता है, ये पैसा नहीं लगाता है वो, तो ये मंथ चला जाएगा ना, थर्ड मंथ मिलेगा उसको, थर्ड मंथ मिलेगा तो ये पॉइंट पूरी सी से कट हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके के अकॉर्डिंग कट हो जाएगी ना, ये पूरी सीसी कट हो जाएगी, थर्ड मंथ मिलेगा, थर्ड मंथ में उसको फिर से क्या करना पड़ेगा, 6 तो ये और 16cc, 17, 18cc उसको फिर से कंप्लीट करनी पड़ेगी, 19cc, ठीक है। थर्ड मंथ में क्या करना पड़ेगा, 19cc करना पड़ेगा, मतलब इतनी मेहनत उसको करनी पड़ेगी थर्ड मंथ में। अगर उसने इस महीने में 9cc के प्रोडक्ट बाई नहीं किया ना, तो थर्ड मंथ मिल जाएगा उसको, इस महीने की पूरी सीसी कट जाएगी ना, समझ रहे हो ना इस बात को। तो थर्ड मंथ में क्या करना पड़ेगा, 19cc करना पड़ेगा, तब जाके तो 25 होगा ना, इन दोनों को मिला के ही तो 25 होगी ना। कंटिन्यू 2 मंथ, पहले कंटिन्यू 2 मंथ ये था, टोटल कितना हुआ था, 16 नहीं हो पाया, ठीक है, उसने 9cc के प्रोडक्ट बाई नहीं करे, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट मंथ मिलेगा, नेक्स्ट मंथ मिलेगा तो ये मंथ तो कट हो जाएगा ना, तो नेक्स्ट मंथ में, इस महीने में कितना था, 6cc थी ना, तो नेक्स्ट मंथ में कितना पड़ेगा,
19 सीसी कंप्लीट करनी पड़ेगी उसको, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर 19 सीसी नहीं होती है तो वो 25 नहीं कर पाएगा और सुपरवाइजर कभी भी नहीं बन पाएगा। ऐसे होता है भाई साहब, ऐसे लोग इस चीज़ से बचने के लिए यहाँ पे पैसा लगाते हैं कि चलो जितनी सीसी कम पड़ रही खरीद लेते हैं। ठीक है, तो इतना आसान नहीं कि तुमने बोला कि 25 बन जाएंगे, यू बन जाएंगे, आगे पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। लगाना पड़ेगा यार, सिंपल सी बात है। पहली बात तो आपको यार 1+3 करनी पड़ेगी ना, 1+3 सीसी। आपको टीम का बूस्ट बोनस और वॉल्यूम बोनस लेने के लिए तुमको 1+3 करनी पड़ेगी। 1+3 आप जाके देख सकते हो क्या होता है। 1 सीसी के प्रोडक्ट तुमको हर महीने करने ही पड़ेंगे। 16 जाके जितना भी होता है एस बनने के बाद, 12,000-13,000 जो भी होता है, उतने के प्रोडक्ट तुमको हर महीने लेने ही पड़ेंगे यार, समझ में है ना। और 3 सीसी तुमको टीम से करनी पड़ेगी अगर तुमको टीम की पूरी अर्निंग चाहिए तुमको, तो 3 सीसी तुमको करना ही पड़ेगा कैसे भी करके। ओके, आई होप आपको एक एक चीज़ समझ में आ गई होगी, ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी और ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी और ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी कि पैसा क्यों लगाया जाता है। लगाना पड़ता ही है ना, वरना ये झेलना पड़ेगा फिर, ये सीसा कट जाएगी तो। ठीक है, इसलिए उनको पैसा लगाना ही पड़ता है। ओके, अगर आपको और भी ज़्यादा डीपली समझना है तो मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर लेना और मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना और मेरे शॉर्ट्स वीडियो को देखना स्टार्ट कर दो। आपके बहुत सारे लॉजिक वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, अर्निंग को लेके, मार्केटिंग को लेके, बिजनेस टिप्स को लेके बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।